बिग बॉस के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शो में होगी एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री। कौन है वो जो बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के आने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। वेल, शो की गिरती टीआरपी को देख करके मेकर शो में वाइल्ड कार्ड एंट्रियां करवा रहे हैं। कुछ वक्त पहले बिग बॉस के घर में 5 वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। यहाँ पर रश्मि देसाई, देवोलीना, राखी और उनके पति रितेश और अभिजीत बिचकुले की एंट्री हुई। पहले इनकी एंट्री के बाद शो की टीआरपी भी सामने आई, जो कि कुछ खास नहीं है, जिसके हिसाब से ये साफ पता चलता है कि शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाने का कोई खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि शो की टीआरपी बढ़ी नहीं। अब जो खबर सामने आई है उसमें बताया गया है कि बिग बॉस के घर में जल्दी एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। इनका नाम है आकाश शर्मा। ये पेशे से एक कास्टिंग डायरेक्टर है और टेलीविजन एक्टर इनको अच्छे से जानते हैं। वेल, अब जो खबर सामने आई है आकाश शर्मा बिग बॉस के घर में जल्दी एंट्री करने वाले। बताया जा रहा है कि बुधवार तक के इनकी बिग बॉस के घर में एंट्री हो जाए। वेल, मेकर्स को जिनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री से इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि शो की टीआरपी बढ़ेगी, उनसे तो बढ़ी नहीं। अब देखना होगा कि इनकी एंट्री से शो की टीआरपी बढ़ती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस पर आपका क्या कहना है। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।